लगता है बॉलीवुड के पास में पैसा बहुत सारा है और उसे कैसे खपाया जाए ये उनको खुद को भी नहीं पता। जैसे कि आपको सबको पता ही है कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड को लोग नापसंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बॉलीवुड वाले इस चीज़ से कोई इंटरेस्ट न रखते हुए, किसी के कोई ध्यान न रखते हुए वो अपना काम चालू रख रहे हैं। जी हाँ, पिता आमिर खान के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बेटे जुनैद भी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। यशराज फिल्म्स 1962 के महाराज लिबेल केस पर एक पीरियड ड्रामा बनाने जा रहे हैं जिसमें जुनैद को कास्ट किया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल आमिर ने इंटरव्यू में कहा था कि जुनैद को फिल्मों से ज़्यादा थिएटर में इंटरेस्ट है, लेकिन अब वो सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू करने जा रहे हैं। मिड की खबर के अनुसार प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा की यह फिल्म बिग बजट ड्रामा होगी जिसके लिए टीम ने लोकेशन भी चुन ली है। इसके लिए बांगूर नगर गोरेगांव में सेट बनाया जाएगा। आदित्य चोपड़ा का कहना है कि फिल्म का सेट बड़ा होना चाहिए, जिसे फाइनली मड आइलैंड में सेट किया गया है। सेट का काम एक दो दिन में शुरू हो जाएगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म को 2021 में शूटिंग शुरू करना चाहते हैं। ये कहानी धार्मिक लीडर जादूनाथ जी ब्रजरतन जी महाराज के एक रिफॉर्मर जर्नलिस्ट करसन दास जी मूल जी के खिलाफ दर्ज किए गए केस पर आधारित है। करसन दास जी ने गुजराती अखबार सत्य प्रकाश में एक लेख प्रकाशित किया था जिसे महाराज ने अपमानजनक बताया था। लेख में करसन दास ने लिखा था कि महाराज के महिला अनुयायियों के साथ अनैतिक संबंध है, जो कि आधारहीन आरोप है। जुनैद फिल्म में सोशल रिफॉर्मर मूल जी के रोल में होंगे। बाकी स्टार कास्ट फाइनल होना बाकी है, लेकिन अर्जुन रेड्डी फेम शालिनी पांडे का फीमेल लीड चुने जाने की खबर भी सामने आई है। जुनैद अभी कैमरा फेस करने वाले वर्कशॉप ले रहे हैं। 2017 में थिएटर पर डेब्यू करने वाले जुनैद ने अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से पढ़ाई कर चुके हैं। उसके बाद वे कई नाटकों पर नजर आए। इनमें उनकी बहन इरा खान के डायरेक्शन से बना मीडिया प्ले भी शामिल है। हालांकि इस खबर पर पूरी तरह यशराज की ओर से कोई आधिकारिक बयान आना बाकी है।